नागपुर पब्लिक स्कूल खाली स्कूल को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। 30 साल के लिए 100 रुपए सालाना लीज पर जमीन दी थी और एसपी कार्यालय को भी कराया जा सकता है कब्जा मुक्त। तो देखिए तस्वीर जहां पुलिस प्रशासन टीम की मौजूदगी नजर आई, और बीते दिन भी यह तस्वीरें आपने न्यूज स्ट्रीट पर देखी थी कि किस तरह से सामान की शिफ्टिंग की गई। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त न्यूज स्ट्रीट पर देख रहे हैं, लाइव तस्वीर जहां आजम खान का रामपुर पब्लिक स्कूल खाली कराया गया है और स्कूल को प्रशासन ने कब्जा मुक्त करा लिया है। 30 साल के लिए 100 रुपए सालाना लीज पर दी थी जमीन और एसपी कार्यालय भी यहां है और एसपी कार्यालय को भी कब्जा मुक्त कराया जा सकता है। तो ये एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीर आप न्यूज स्ट्रीट पर देख रहे हैं। देखिए पूरी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, लगातार आजम खान पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज स्ट्रीट पर देख रहे हैं जहां आजम खान का रामपुर पब्लिक स्कूल खाली कराया जा चुका है। स्कूल को प्रशासन ने कब्जा मुक्त करा लिया है और ये देखिए सील करने की कार्रवाई जो है, सीज करने की जो कार्रवाई है वो होती हुई नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज स्ट्रीट पर दिखा रहे, जिला प्रशासन करा रहा कब्जा मुक्त। बीते दिन भी तस्वीर निकलकर सामने आई थी जहां खुद सामान के शिफ्टिंग करते हुए लोग नजर आ रहे थे। हालांकि ये एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर जहां आजम खान का रामपुर पब्लिक स्कूल खाली कराया जा चुका। स्कूल को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया है और 30 साल के लिए 100 रुपए सालाना लीज पर दी थी जमीन। एसपी कार्यालय भी है जिसे कब्जा मुक्त कराया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता ओवेस अली हमारे साथ जुड़ गए। ओवेस, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम देख पा रहे किस तरह से रामपुर पब्लिक स्कूल को खाली कराया जा रहा है, क्या तस्वीर इस वक्त और क्या अपडेट है, जरा बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए जहां रामपुर पब्लिक स्कूल को आज प्रशासन के द्वारा कब्जा मुक्त कराया जा चुका है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है उसको भी सील कर दिया गया है। हालांकि अभी कुछ मिनट पहले जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी थे वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले, जाके बातचीत की और तुरंत 10 मिनट के अंदर में कार्रवाई शुरू होगी और समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है उसको पुलिस अधिकारियों के द्वारा अब समाजवादी पार्टी का रामपुर का कार्यालय को सीज कर दिया गया है। यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है और आपको तस्वीरें यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि अभी सील का कार्य चल रहा है। ये रामपुर का समाजवादी पार्टी का कार्यालय है जहाँ पर आजम खान बैठकर तमाम अपनी राजनीति बुनाया करते थे और 30 साल के लिए जो मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट पर शिक्षा की आड़ में आजम खान ने जमीन ली थी उसी पर यह समाजवादी पार्टी का कार्यालय बनाया था। और अब इसकी प्रक्रिया सील की पूरी हो चुकी है, समाजवादी पार्टी का जो रामपुर में कार्यालय है उसको फिलहाल सील कर दिया गया है। हालांकि तमाम जो पुलिस अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अभी जो कार्यालय जो है वो सील हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पर सीओ साहब मौजूद है, सीधा उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर एक बार हल्का सा सर बताइएगा सर सील की कार्रवाई ये इस बारे में आप वहाँ बात कर ले, वो लोग कर रहे थे, हम लोग यहाँ शांति व्यवस्था में कोई समस्या नहीं है। पुलिस प्रशासन यहां पर शांति व्यवस्था में लगातार बना हुआ है और समाजवादी पार्टी का कार्यालय आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं जिस पर सील जिसको सील कर दिया गया है और उस पर ताला लगा दिया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने 10 मिनट तक अंदर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बाहर लेकर आए। बाहर लाने के बाद इसी कार्यालय को फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा सील की प्रक्रिया शुरू की गई और इस कार्यालय को समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है उसको सीज कर दिया गया। हालांकि मैं आपको बता सकता हूं कि ठीक जो ये दारुल अवाम समाजवादी पार्टी का कार्यालय था जिसके अंदर आजम खान ने इस पर कब्जा किया था, 30 साल के लिए जमीन लीज ली थी और 100-100 रुपए प्रति वर्ष पर यह जमीन ली गई थी। आपको ठीक एक बिल्डिंग नजर आ रही होगी जो लाल और सफेद कलर की है, ये रामपुर पब्लिक स्कूल है जिस पर जो लगातार आजम खान के द्वारा निर्माण कराया गया था और अवैध ये निर्माण हुआ था। इस पर भी आज पुलिस प्रशासन का हंटर चला और पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरह से स्कूल के सामान था उसको बाहर निकालकर ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर लोड कराया गया और फिर बाहर व्यवस्था उस सामान को रखवाने की गई और जो स्कूल था उसको कब्जा मुक्त भी प्रशासन के द्वारा कराया गया। हालांकि प्रशासन ने अपना पूरा कब्जा ले लिया है और प्रशासन के द्वारा जो तमाम प्रक्रिया और कानूनी कार्रवाई थी उसको भी प्रशासन के द्वारा की गई है और साफ तौर पर जो स्कूल के बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ने वाले हैं प्रशासन के द्वारा उनको भी कहा जा चुका है कि उन पर किसी प्रकार के बादल के संकट नहीं
डगमगाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है। इसलिए प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो उनको और कहीं अन्य स्थानों पर, अन्य स्कूलों में, चाहे वो स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहां पर शिफ्ट करते नजर आएंगे। हालांकि जिस तरह से आजम खान की लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, आजम खान फिलहाल 7 साल की जो सजा है वो सीतापुर जेल में काट रहे हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान हरदोई की जेल में बंद है, तो वहीं रामपुर के अंदर तंजीम फातिमा जेल में बंद है। तीनों परिवार के सदस्य बंद होने के साथ साथ 7 साल की सजा काट रहे हैं। और वहीं आजम खान के द्वारा 2 जन्म प्रमाण पत्र अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के नाम पर बनवाए जाने के मामले में उनको सजा हुई थी। आजम खान जेल के अंदर होने के बाद भी उनकी मुसीबतों का जो पैमाना है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। और समाजवादी पार्टी का एक कार्यालय मैं आपको दिखा सकता हूँ, जहाँ पर दारुल अवाम लिखा हुआ है। ये वो दारुल अवाम है, इसके ऊपर ठीक समाजवादी पार्टी का झंडा आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर बैठकर आजम खान अपनी सियासत बुनाया करते थे। यही वही जगह थी जहां से आजम खान ने लोगों की जन सुनवाई भी सुनी और यही पर जनता दरबार लगाते थे। अक्सर जब रामपुर के अंदर में आजम खान हुआ करते थे तो वो इसी कार्यालय से बैठकर अपना तमाम सिंहासन, और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो सत्ता पूरी लखनऊ के बाद आजम खान रामपुर से चलाते हुए नजर आते थे। आपको ठीक ये तस्वीर, वाकई ओवेस, ये लगातार आप एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे जहां पुलिस प्रशासन टीम की मौजूदगी है और समाजवादी पार्टी का जो ये ऑफिस था, वहां कार्यालय था, उसे भी सील कर दिया गया। तमाम एक्सक्लूसिव जानकारी और इन तस्वीरों को दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामपुर से यह तस्वीर जहां रामपुर पब्लिक स्कूल खाली करा दिया गया प्रशासन की तरफ से, अब प्रशासन का इस पर पूरा कब्जा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो कि आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं, जहां एसपी कार्यालय था उसे भी अब सील कर दिया गया है। तो जिला प्रशासन कब्जा मुक्त कराता हुआ ये पूरा एरिया, जहां रामपुर पब्लिक स्कूल और एसपी कार्यालय को सील कर दिया गया है।